मरहूम शेक्सपियर ने तकरीबन 5.25 सदी पहले अपने नाटक रोमियो जूलियट के लिए फरमाया था, व्हाट्स इन ए नेम, यानी नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब को हम किसी और नाम से भी पुकारें तो वो ऐसी ही खूबसूरत महक देगा। लेकिन आज के दौर में नाम बदलने से कैसा कुछ मजेदार हो सकता है, इसकी मिसाल पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की मालिकाना हक रखने वाली कंपनी का नाम बदलने से सामने आ रहा है। इस कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। इसके बारे में आपको बताने से पहले ये जान लिया जाए कि कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग के दिमाग में कंपनी का नाम बदलते हुए क्या था। जकरबर्ग के मुताबिक मेटा का ग्रीक में मतलब बियॉन्ड यानी हद से पार होता है। कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा इसलिए किया गया ताकि इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा आगे एक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जा सके। फेसबुक की ओर से ये भी साफ किया गया कि बदलाव अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में नहीं होगा, बल्कि ये बस इनके मालिकाना हक वाली पेरेंट कंपनी के लिए ही है। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन इजराइल वालों के लिए मेटा नाम चकराने वाला है। इस पर वो चुटीली टिप्पणियां भी कर रहे हैं। दरअसल इजराइल में मेटा को हिब्रू में मृत यानी डेड जैसे बोला जाता है। यही वजह है कि देखते ही देखते इजराइल में फेसबुक डेड हैशटैग ट्रेंड होने लगा। एक यूजर रोजेना फिलिप ने कई स्माइलीज के साथ ट्वीट किया कि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। फन फैक्ट, मैंने अभी इसका हिब्रू में मायने ढूंढे जो कि मृत है। टेक जर्नलिज्म में एक्सपर्ट और टेक पीआर निरित वेइसबेल्ट ने फेसबुक कंपनी का नाम बदले जाने पर ट्वीट में लिखा कि हिब्रू में मेटा का मतलब मृत होता है। यहूदी समुदाय इसका आने वाले वर्षों में माहौल उड़ाएगा। एक यूजर जॉन लिंच ने ट्वीट किया कि कई यहूदी लोग इस हेलोवीन वीकेंड पर मार्क जकरबर्ग की ओर से फेसबुक का नाम बदले जाने पर हंस रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, हिब्रू बोलने वालों को हंसने की वजह देने के लिए आपका शुक्रिया। ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी कंपनी के नाम का मतलब किसी और भाषा में और निकलने पर उसे अजब स्थिति का सामना करना पड़ा हो। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रॉल्स रॉयस ने अपनी सिल्वर मिस्ट कार का नाम बदलकर सिर्फ मिस्ट रखा तो जर्मनी में उसका अनुवाद एक्सक्रीमेंट, बोले तो शिट या हाजत निकाला गया, तो कंपनी ने कार का नाम फिर सिल्वर शैडो करने में देर नहीं लगाई। ऐसा ही कुछ मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया के साथ हुआ। नोकिया 2011 में लूमिया नाम से एक फोन लाई तो उसे पता चला कि स्पेन की एक बोली में लूमिया का मतलब सेक्स वर्कर होता है। कार निर्माता कंपनी होंडा भी अपने एक मॉडल का नाम फिटा रखने वाली थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इसके स्वीडिश भाषा में अश्लील मायने लगाए जाएंगे तो उसने मॉडल का नाम फौरन जैज कर दिया। सही कहा था शेक्सपियर साहब ने, नाम में क्या रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।